अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अपराध में सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के मामलों में अब कोई ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं होगी। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी से पहले आरोपों की जाँच भी करना जरूरी है। गिरफ्तारी से पहले जमानत दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इस एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और केस दर्ज होने से पहले DPS स्तर पर पुलिस अधिकारी प्रारंभिक जांच करेगा। इस मामले में अग्रिम जमानत पर भी कोई संपूर्ण रोक नहीं है। किसी सरकारी अफसर की गिरफ्तारी से पहले उसके उच्चाधिकारी से अनुमति जरूरी होगी। महाराष्ट्र की एक याचिका पर यह अहम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एक्सेस क्यूरी अमरेंद्र शरण की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बेंच ने इस दौरान कुछ सवाल उठाए थे। क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय किए जा सकते हैं ताकि बाहरी तरीकों का इस्तेमाल ना हो? क्या किसी भी एकतरफा आरोप के कारण आधिकारिक क्षमता में अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है? और यदि इस तरह के आरोपों को झूठा माना जाए तो ऐसे दुरुपयोगों के खिलाफ क्या सुरक्षा उपलब्ध है? क्या अग्रिम जमानत न होने की वर्तमान प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उचित प्रक्रिया है? और अधिक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।